हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जिरीबम से इंफाल तक का जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को बने रहें, वीडियो बहुत छोटा है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जिरीबम टू इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट 111 किलोमीटर लंबा है। इसमें 8 नए स्टेशन बनाए गए हैं जो जिरीबम से इंफाल तो के बीच में पड़ती है। इसमें से रानी गैडरोनी जो मणिपुर के बॉर्डर पे स्थित है वहाँ तक और वहाँ से अंदर खोंगसांग तक ट्रेन सेवा चालू हो चुका है बहुत पहले ही। खोंगसांग से इंफाल तक के बीच में कितना काम हुआ है और कितना बाकी है इस पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, खोंगसांग पे पहले ही रन कर रही है, अभी फिलहाल ट्रेन बंद है मणिपुर की स्थिति की वजह से। खोंगसांग के बाद वांगखुल रेलवे स्टेशन आता है, वांगखुल पे भी काब स्टेशन बन के पहले ही रेडी हो चुका है, ट्रेक अभी तक नहीं आया है। इस वीडियो में देख रहे हैं वांगखुल रेलवे स्टेशन है। अगला स्टेशन नोने रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ पर भी नोने ब्रिज का काम जोर शोर से चल रहा है और अक्टूबर के लास्ट तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ का रेलवे स्टेशन है नोने, यहाँ पर भी स्टेशन बनकर रेडी हो चुका है। अभी का एक करंट अपडेट है और उसके बाद आता है तुपुल रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट राइट के लैंडलाइस के बाद स्टेशन अभी तक यहाँ नहीं बना है, फिर भी अभी भी काम शुरू हो चुका है यहाँ पे भी तुपुल रेलवे स्टेशन पे। अभी का एक करेंट अपडेट है इंफाल रेलवे स्टेशन, यहाँ का करेंट अपडेट है स्टेशन बन चुका है, कलर हो रहा है और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका भी बनने में काफ़ी वक्त लगेगा और मैंने भी इसके बारे में फुल ब्लॉग डाल चुका हूँ पहले यूट्यूब पे, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये रहा इंफाल रेलवे स्टेशन का व्यू। और दोस्तों, बताएं पूरी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और